संकट तो आता ही नहीं सर, चुनौतियां आती हैं। सिर्फ शब्द परिवर्तन कर देने से भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं सर। इसलिए शब्द की शब्द जो होते हैं वो व्यक्तित्व की पहचान भी कराते हैं। इसलिए जब बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर और लोग आम व्यक्ति के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माननीय श्री लालू जी इस मामले में बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट राजनेता थे, हैं मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही थी। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, लेकिन जब वो भाषण देते थे तो वो आम जनमानस और आम जनमानस की बोली का इस्तेमाल करते थे, आम जनमानस की भावभंगिमा का इस्तेमाल करते थे। बिजली आई, बिजली मिली, अरे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। क्या बोले थे भाई बहनों, भाई बहनों बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? क्या बात है, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ गए मोदी मोदी मोदी, और तुरंत वो जो सामने की भीड़ होती थी उससे वो कनेक्ट हो जाते थे। भाषा आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है सर, लोचन शब्द जो है वो आंख है, आलोचना इतनी प्यारी चीज है आलोचन। इसलिए विष्णु को कहा जाता है त्रिलोचन, तीनों लोगों को देखने वाले। आलोचन, कोई चीज आपने बनाई, आप अपनी आंख से देख रहे हैं, फिर दूसरी आंख। इसलिए विपक्ष हमेशा आलोचना करता है, मतलब अपनी आंख से वो किसी पॉलिसी को देखता है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना सरकार ने बनाई, तो सरकार ने एक अपने विजन से बनाई। विपक्ष भी तो बैठा है, उसका भी तो विजन है, उसकी भी तो आंख है। इसलिए यूपीएससी सिविल सेवा में एक बड़ा प्यारा प्रश्न आता है, आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक टिप्पणी। सरकार की नजर से तो आपने देखा, विपक्ष की नजर से, तो फिर विद्वानों की नजर से भी देख लीजिए, फिर जनता की नजर से भी देख लीजिए। और लोचन से एक शब्द बना लुच्चा, किसी स्त्री को किसी ने लगातार घूर दिया तो उसने कहा लुच्चा कहीं का, वो लोचन से ही शब्द आया। शब्द व्यक्तित्व का आईना है, इसलिए जब भी शब्दों का चयन करें, बोली एनिमल वर्ल्ड में शेर भौंक नहीं सकता और कुत्ता दहाड़ नहीं सकता। मेरे बड़े सारे मित्र हमसे कहते हैं कि लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी अपनी तरफ से अपशब्द इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। उसकी वजह है सर, क्योंकि जो एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल, तो शेर दहाड़ेगा, कुत्ता, इसीलिए सारे जानवरों की बोलियों के अलग अलग नाम है। घोड़ा हिनहिनाएगा, बकरी मिमियाएगी, कुत्ता भौंकेगा। ऐसे ही भाषाई प्रयोग से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है कि इसकी कैटेगरी क्या है। आपका नाखुश होना बुरा नहीं है, आपका विरोध जताना बुरा नहीं है, आपका बुरा मानना बुरा नहीं है, लेकिन आपके जो भाषा का चयन होगा वो बताएगा कि यह विरोध किस स्तर के व्यक्ति ने किया है। बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल।
पहले भीतर तौल के फिर मुख बाहर खोल, फिर मुख बाहर खोल।